अलीजे, आप क्या कर सकते हैं? जो होना था वो तो हो गया है। किस्मत के आगे हम सब बेबस हैं। मेरी जिंदगी में जब भी कोई पेशरफ्त होना शुरू होती है, ये रमशा मेरे बराबर में आके खड़ी हो जाती है। आखिर कैसे, ये सब कैसे होता है मामा? मुझे नहीं समझ आ रही ये बात। मुझे तो लगता है ये रमशा यकीनन कोई ना कोई जादू टोना कर रही है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़की को हर चीज पता होती है? हाँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे नहीं पता ये सब हो क्या रहा है आखिर। अच्छा, प्लीज परेशान मत हो। देखो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। तबीयत होती है खराब तो हो। इतना खुश थी मामा। मैं अफनान को औलाद की खुशी देना चाहती थी। लेकिन अब तो रमशा की तरफ से भी उसको औलाद हो जाएगी। मेरी सारी खुशी बर्बाद कर दी है इस लड़की। कैसी बातें कर रही हो अलीजे? तुम ही अफनान को पहली औलाद दोगी। और अफनान को बाप बनने की खुशी भी तुम ही दोगी। क्यों नहीं वो तुम्हारी कदर करेगा? अब बाकी किस्मत में जो होना है वो तो होके ही रहेगा। मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कोई ना कोई जादू, कोई ना कोई अमल जरूर करती है रमशा। इसीलिए तो वो जो चाहती है वो ही हो जाता है बस। अल्लाह ही जानता है कि सच क्या है, लेकिन मैंने देखा है वो नमाज की बहुत बाकायदगी करती है। कोई नमाज ही नहीं छोड़ती। शायद इसीलिए अल्लाह ताला उसकी हर दुआ को कबूल करता है। मामा, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे मुस्तकिल ऐसा शक हो रहा है कि वो कुछ ना कुछ जरूर कर रही है। इसीलिए तो अफनान और मेरे दरमियान कुछ ना कुछ मसला चलता ही रहता है। वो मेरी दोस्त है ना निदा, उसके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था। उसके ऊपर भी किसी ने जादू करवाया था, इसीलिए उसके और उसके शोहर के दरमियान हर वक्त लड़ाई रहती थी। आप एक काम तो करें, जरा घर की ना प्रॉपरली सफाई करवाएं। यकीनन कोई ना कोई तावीज निकलेगा। हाँ, बल्कि मैं एक काम करती हूँ, कल मैं मेड के साथ मिलकर खुद सफाई करवाती हूँ। कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा।
पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम भाग भाग के अपनी चाची की तरफ क्यों जाती हो। नान, ये क्या कह रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ शानी की वजह से आती हूँ? इसलिए आपने मुझे यहाँ पे छोड़ा है अपना? मुझे तो हैरत हो रही है अपना कि आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। देखिए, मैं नहीं जानता कि आपके और रमशा के दरमियान किस बात को लेकर नाराजगी है, लेकिन बहुत परेशान है। बहुत चाहती है। से खुद देखे आपके लिए रोते हुए। खुश नहीं है आप? तान, मुझे लगा था इतनी बड़ी खुशखबरी सुन के शायद आपकी नाराजगी खत्म हो जाएगी, आपका दिल नरम हो जाएगा मेरे लिए। अखियां लगाया वे करना क्या और उसे गिला, आपकी खुशी दिखाई नहीं दे रही अपना। मुझे यार से मिला, कितनी मोहब्बत की थी मैंने तुमसे और तुमने धोखा मुझे यार से मिला। शायद ये हमारी मोहब्बत की आजमाइश थी। दिल को भी हारा मैंने, तुम मानो या ना मानो, बाप बनने की खबर जो तुम्हारी तरफ से मिली है उसकी अलग ही खुशी है, जिससे शायद मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। अब हमें ये सब भूल कर एक नई जिंदगी शुरू करनी है। किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना बुरी बात होती है और दोस्तों से पर्सनल बातें छुपाना जुर्म होता है। मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो तुम हो। हमजा से प्यार करती हूँ, उसे पसंद करती हूँ। तुम मेरे और रानिया के बेस्ट फ्रेंड हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें ना पता हो? पहले कभी तुमने रानिया का नाम नहीं लिया? पूरी दुनिया जानती। मैं धोखे में रहा? तुम शक्ल मेरी अपनी औकात क्या है तेरी? तू करेगा उससे मोहब्बत, तूने क्यों कर रही है उससे मोहब्बत? ये आज की तुम्हारी प्यार का दरिया है और डूब कर जाना है। ये जुनू बेखुदी बन गई आशिकी, तूने दी है ये कैसी सजा। रमशा बीबी, रमशा बीबी जी। रमशा बीबी, ये अफनान साहब ने ड्रेस दिया है कि आप पहन के तैयार हो जाए, किसी पार्टी में जाना है। उनका फोन आया है, वो बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। मुझे कहा था यार रेजी को, एक काम करो अफनान को कॉल करके पता कर लो, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नहीं जी, उन्होंने आपका नाम लेकर ही कहा है। अच्छा ठीक है, हम देख लेते। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है।
ये कलर मुझ पर सूट कर रहा है? हाँ बाबा, बहुत सूट कर रहा है। असल में अफनान, हम इतने दिनों बाद साथ बाहर जा रहे हैं ना, तो मैंने सोचा आज कुछ ऐसा पहनूं जो तुम्हें पसंद आए। तुमने हमेशा ही ऐसा किया, मेरी पसंद नापसंद का हमेशा ख्याल रखा। हर अच्छी बीवी हो तुम्हें। चाहता हूँ कि जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, अली से खुश रहे। शाबाश हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं? मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, मेरी इस बात पर यकीन करो। रोक न जाने कितने जेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। तुम्हें गुलाब के फूल की तरह जो अपने आप को तकलीफ देने वाले को भी खुशबू देता है। जो बेटा अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर एक अनचाही लड़की को अपनी मर्जी से ब्याह कर घर में ला सकता है, उससे इजाजत मांगने की जरूरत नहीं रहती। मैंने उसको अपना और इस घर का मान बनाया है, और आप जितनी जल्दी ये बात समझेंगी, आपको इसमें एक बेटी नजर आएगी, बहू नहीं। अब तो मैं इसे बताऊंगी कि जीती हुई बाजी कैसे हारी जाती है। ये निकाह की पिक्चर्स क्यों रखी हुई हैं तुमने? मेरी और आपकी पिक्चर्स। तो क्या चाहती हो? इनको भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हो तुम? इसीलिए रखी हुई है ना, ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सको। जैसे तुमने हमारी शॉपिंग की वीडियो वायरल करवाई है, उसी तरह आप निकाह की पिक्चर्स भी करवाओगी ना, है ना? मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम चाहती हो कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि तुम मेरी बीवी हो। पहले तुमने हमारी वीडियो वायरल की ताकि लोगों को मेरे और तुम्हारे बारे में पता चले, अब तुम ये निकाह की पिक्चर्स करवाओगी ताकि सबको पता चल जाए कि मैं और तुम निकाह में। इसका सीधा तरीका भी तो था, एक बार मुझसे कहा तो होता। इतना घिरने की क्या जरूरत थी रमशा? अभी तो सही समझाऊं तुम्हें रमशा, अभी तो समझ में आया है कि तुम कौन। मैंने तुमसे शादी की तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाया, अपने मरते हुए बाप से किया हुआ वादा निभाया, और तुमने क्या किया? मुझे भरे जमाने में बदनाम किया और कुछ नहीं। मुझे बताओ ना, क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो तुमने मुझे चीट किया? अफ़नान, मैंने आपको कोई चीट नहीं की है। अगर मैंने अपने बाप से वादा ना किया होता ना, तो आज अभी इसी वक्त मैं अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकता।
अफगान देख के मेरा पाँव ना कहीं टकरा जाए, मैं गिर ना जाऊं। अफगान नहीं गिरने दूंगा तुम्हें। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल खोल दो। ये सब क्या है अफगान? अफगान अफगान कहाँ चले गए? अफगान अफगान कहाँ चले गए आप? अफगान अफगान Thank you.
है। हद शर्मिंदा, क्या हुआ तुम्हें? ये सब अच्छा नहीं लगा? बस करते रफ्तार, थक चुकी हूँ, अब बस कर। बहुत मुश्किल से खुद को समेटा, इस दफा अगर दोबारा टूटी ना तो समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको ये बदलता हुआ रवैया मुझे समझ नहीं आ। अचानक से नरम मिजाजी से आप इतने कड़वे मिजाज पर उतर आते हैं, मैं समझ नहीं पाती। मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है कि आपके हर वक्त बदलते रवैये को बर्दाश्त कर सके। कुछ और नहीं सहज, कमजोर हो चुकी हूँ अंदर से, मुझ पे रहम करें। समझ सकता हूँ तुम क्या कह रही हो, लेकिन गलती हो गई मुझसे जो तुम पर एतबार नहीं किया। सच में बहुत शर्मिंदा। जो तुम पर एतबार करना चाहिए थे तुम्हारे किरदार पर, तुम्हारी बात पर, हर चीज पे भरोसा करना चाहिए था। आखिरी मौका था, इस बार तुम मुझ पर एतबार करके देखो। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूं। क्यों करूं आप पे एतबार? आपने किया था मुझ पे एतबार? शर्मिंदा हूं मैं, क्या बदला लोगी मुझसे? हाँ लूंगी बदला। मुस्कुरा क्यों रहे हैं बाप? तुम्हारा चेहरा देखता हूं तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल सच कह रहा। कह रहा हूं ना, आई एम सॉरी। क्या करूं, आज फिर तुम्हारा दिल जीतने का दिन चाह रहा है। बस एक मौका दे दो प्लीज।
अलीजे, तुम्हारे परेशान होने से कुछ नहीं होगा मेरी जान। हाँ, मैं कैसे परेशान ना हूं? शमशा अफदान को बेटा दे देगी और मेरे यहां तो बेटी होगी। इस तरह तो रमशा की अहमियत बढ़ जाएगी अफदान की नजरों में। बेटे की मां तो रमशा ही कहलाएगी ना। तुम ये क्या दक्यनूसी बातें कर रही हो मेरे साथ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी अफनान ने तुमसे इस तरह की कोई बात कही है? कि मुझे बेटा चाहिए या बेटी? नहीं, उसने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर बात ही खत्म हो गई। अगर रमशा की चची ने ऐसा कह भी दिया है तो उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही होगा जो अल्लाह चाहे। अलीजे, तुम्हें तो ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तुम्हें सेहतमंद औलाद अता करे, बस। कोई जरूरत नहीं परेशान होने की, बस रिलैक्स करो। मैं अफनान को औलाद की खुशी देना चाहती थी, लेकिन अब तो रमशा की तरफ से भी उसको औलाद हो जाएगी। मेरी सारी खुशी बर्बाद कर दी है इस लड़की ने। कैसी बातें कर रही हो अलीजे? तुम ही अफनान को पहली औलाद दूंगी। मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कोई ना कोई जादू, कोई ना कोई अमल जरूर करती है रमशा। इसीलिए तो वो जो चाहती है वो ही हो जाता है बस। अल्लाह ही जानता है कि सच क्या है, लेकिन मैंने देखा है वो नमाज की बहुत बाकायदगी करती है। कोई नमाज ही नहीं छोड़ती, शायद इसीलिए अल्लाह ताला उसकी हर दुआ को कबूल करता है।